गणेश चतुर्थी का ये पर्व फिल्मी कलाकार भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कोई अपने घर में बप्पा की स्थापना करता है, कोई गणेश पंडाल में दर्शन के लिए पहुंचता है। ऐसे ही कुछ कलाकारों की 8 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तुषार कपूर, सोनू सूद और नील नितिन मुकेश ने जहां अपने अपने घरों में बप्पा की स्थापना की और पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की, वहीं कार्तिक आर्यन लालबाग के राजा में के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जबकि गोविंदा पूरे परिवार के साथ अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के घर गणपति पूजा में शामिल हुए। इसी तरह सुनील शेट्टी और गायक कुमार शानू मशहूर संगीतकार बप्पी लहरी के घर गणेश पूजा में शामिल हुए। इसके अलावा स्टैंड अप कॉमेडियन भारती सिंह गाजे बाजे के साथ बप्पा की मूर्ति अपने घर लेकर आए। बप्पा के हमेशा चेहरे पर जो मुस्कान होती है और जो चमक होती है, आई थिंक वो एक हमारी जिंदगी में चमक लेकर आते हैं। और ये पूरी जो सेलिब्रेशन जो डेकोरेशन है उस वो मेरी जो पत्नी है सोनाली, उनका जिम्मा होता है और हमेशा उसमें बहुत कमाल का यू नो उनका योगदान रहता है यू नो। और एक मैं निश्चिंत हो जाता हूँ अगर शूटिंग वगैरह में हो, कि मुझे पता है कि वो इस बागडोर को सही ढंग से संभाल लेंगी। और यू नो आज 22-23 साल से संभाल भी रही हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा देखकर। आशीर्वाद हमें मिलता रहे और यू नो अच्छा त्योहार ही इतने अच्छे हमारे हिंदुस्तान के कि अच्छा लगता है। हमारे घर का ट्रेडिशन है और तब हम बिल्डिंग में रहते थे तो बिल्डिंग के दोस्त आते थे, कजिन आते थे। अब सब अपने अपने घरों में गणपति रखते हैं, बहुत ज्यादा रखते हैं, तो इतने लोग फिलहाल आते नहीं। हम परिवार मिलकर ही मना लेते हैं और आखिरी दिन हम सबको बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, और जो आना चाहे वो अगले 5 दिनों में आ सकता है या फिर इन हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो आके दर्शन ले सकते हैं। हमारे देश के नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री भी गणेश उत्सव के इसी पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ हर साल मनाते हैं। इस साल भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इन 6 तस्वीरों में आप नेताओं की भक्ति देख सकते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते ये तमाम नेता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने जहां अपने अपने घरों में बप्पा की स्थापना की है, वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नरवेकर मन्नतों के राजा के दर्शन करने पहुंचे। मध्य प्रदेश और गोवा के मुख्यमंत्रियों ने भी विधि विधान के साथ विघ्नहर्ता को अपने अपने घरों में विराजमान किया और प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए बप्पा से कामना की। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे के प्रसिद्ध गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। अब आपको सीधा लिए चलते हैं पुणे, जहां से पंकज खेलकर हमारे साथ मौजूद है। पंकज दिखाइए जरा वहां की रौनक, कहां पर आप मौजूद है इस वक्त? देखिए नवजोत, पुणे शहर का अपना एक अलग इतिहास है सार्वजनिक गणेश मंडल का, और वो मैं बताना चाहता हूं, जो कि आपको भी पता है कि जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो संघर्ष हुआ था और लोगों को एक साथ संगठित करने के लिए बाल गंगाधर तिलक इन्होंने जो गणेश उत्सव है जो कि घर घर में मनाया जाता था, नुक्कड़ में मनाया जाता था, उसको सार्वजनिक रूप दिया, और तकरीबन 120 या 130 साल पहले सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाना शुरू हुआ, ताकि लोग इकट्ठा आए और उसके आड़ में सारी बातें मीटिंग्स हो, ताकि ब्रिटिशर्स को उसका पता भी न चले, भनक भी न लगे, और अपना काम जो संघर्ष है आजादी का वो भी शुरू रहे। फिलहाल मैं जहाँ खड़ा हूँ वो क्रांतिकारी चाफेकर बंधु, ये जिन्होंने जो रैंड और उनके एक अधिकारी का यहाँ पर मर्डर किया था 1897 में 22 जून को, और उन्हीं के याद में यहाँ पर ये गणेश मंडल है, वीर सावरकर तरुण मित्र मंडल यहाँ पर इस नाम से यूनिवर्सिटी रोड पर ये बड़ा सा पंडाल लगा हुआ है, और इसी जगह पर यानी इसी के पास में जो हत्या की थी, क्योंकि उन्होंने जो अत्याचार प्लेग के समय यहाँ पर पुणे में किए थे उसके चलते ये बड़ी बात यहाँ पर की थी, जिसके बाद उनको फांसी भी दी गई। लेकिन पुणे शहर का इतिहास है कि हर जगह पर जो भी सार्वजनिक गणेश मंडल हो, चाहे वो भाव रंगारी गणेश मंडल हो, दगड़ूशेठ हो, कस्बा जो ग्राम देवत हो, ऐसे सभी गणेश मंडल जो है जो कि सार्वजनिक रूप से ये गणेश उत्सव मनाते हैं, इकट्ठा आते हैं और बड़ी धूमधाम से बाप्पा का स्वागत करते हैं। यहाँ का जो वीर चाफेकर बंधु जो तरुण मित्र मंडल है उनके जो अध्यक्ष है उनसे भी हम पूछते हैं कि जो पुणे शहर का इतिहास है उसके बारे में उन्हें क्या कहना है, और ये जो अभी रौनक आई है उसके बारे में बताइए, आपका नाम बताइए, और अभी जो रौनक है जिस प्रकार से ये पंडाल सजा हुआ है, कैसे बनाया, किस मंदिर की प्रतिकृति है और कैसे लग रहा है?
मेरा नाम विठल दारवटकर है। ये हमारा मंडल 1948 को स्थापन हुआ है। ये मंडल श्री भोसले साहब, विठल भोसले, इन्होंने चालू किया था। ये वीर चापेकर के प्रेरणा लेके, जहाँ रैंड का वध यही रोड पे हुआ था, ये पास में, उनकी प्रेरणा लेके ये मंडल की स्थापना हुई। ये मंडल अभी अमृत महोत्सव वर्ष में ये साल पदार्पण कर रहा है। खूबसूरत तस्वीरें पंकज खिलकर हमारे सहयोगी हमें पुणे से दिखा रहे हैं। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें आ रही हैं, बेहद खूबसूरत, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर पुणे हो, हर जगह पर आज भक्ति का सैलाब और हर कोई बप्पा को अपने घर, अपने पंडालों में लेकर आया है।